कक्षा 11वीं वाले सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। उसमें आपको वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए जो आपकी ग्रामर है उससे संबंधित यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जिसको नंबर 1 आना है वही देखें। जो दोस्त हमारे कक्षा 11वीं में हैं और उनका जो सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी के मैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताने वाला हूं, जो नंबर 1 आना चाहते हैं परीक्षा में वही दोस्त देखें, क्योंकि दोस्तों यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कक्षा 12 में भी पूछे जाएंगे। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथ ही दोस्तों मैं बता देता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही अपने सभी कक्षा 11वीं वाले दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके तो रखना ही रखना है, ताकि आने वाले वीडियो को आप समय पर देख सको। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो जब पसंद आ जाए पूरा देखने के बाद तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैं आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछने वाला हूँ। देखिए, यहाँ से मैं प्रश्न पूछूँगा आपसे रस परिचय, ठीक है, रस परिचय, अलंकार, उसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ छंद से, शब्द शक्ति से, शब्द गुण से। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जो दोस्त हमारे यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, उनका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पहला प्रश्न बताऊँगा कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा जो अलंकार होगा वो है। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वे सभी कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो किस प्रकार का है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी दोस्त कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है, उसमें आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। ये प्रश्न आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा और कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा, तो 11वीं में भी आपको देखने को मिल रहा है कि दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों, मेरे सभी दोस्त जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वे सभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं उनको आंसर बताना है इसका क्या होगा, और लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा आपको लास्ट में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हम 3 को देखेंगे। और माँ बिन पड़ी मेरी तुक में वो गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। दोस्तों यहाँ पर एक पंक्ति है और इस पंक्ति में आपको रस बताना है। तो ये पंक्ति जो थी, इस पंक्ति में आपका रस है, तो वो रस है आपका करुण रस। कौन सा रस है दोस्तों? इसमें करुण रस है। अगला देखेंगे प्रश्न कि मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ भी आपने देखी है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यदि इन पंक्तियों को आप एक बार पढ़ोगे तो आपको
खुद ही स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि इन पंक्तियों में आपके अंदर कौन से भाव उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आपका जो रस है वो रस है वीर रस, इसमें आपका वीर रस है। तो लिख लीजिए इन पंक्तियों को, ये पंक्तियाँ आपके पेपर में आएगी और पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो कर दीजिएगा वीर रस। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है। तो दोस्तों लोक प्रचलित मतलब जो लोकोक्तियों के अर्थ हैं, ठीक है, अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति कराती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन सी शब्द शक्ति कराती है, ये कराती है अभिधा सप्त शक्ति, शब्द शक्ति कराती है। ओके, यहाँ पर लिखिएगा अभिधा शब्द शक्ति, क्योंकि शब्द शक्ति आपकी तीन प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना तीन प्रकार की होती है, ठीक है, ये तीनों ही आपकी शब्द शक्ति के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर खाली स्थान के रूप में, ऐसा का ऐसा ही आपके पेपर में भी छपा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि वीर रस प्रदान कविताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। दोस्तों गुण भी तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, औज गुण और प्रसाद गुण, ये तीन गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी रचना है जिसमें वीर रस है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है तीनों गुणों में से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दो दे रखे हैं, इनमें से दोनों में से आपको बताना है। तो वीर रस की जो कविता होती है उसमें औज गुण पाया जाता है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिएगा रस के अंग होते हैं, जल्दी से कमेंट करें रस के कितने अंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जितने दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो सभी बताएंगे कि रस के कितने अंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो रस के अंग होते हैं चार, रस के चार अंग होते हैं। जल्दी से जितने भी दोस्त हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं वे सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रस के चार अंग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं। अगला देखिएगा शांत रस का स्थायी भाव, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, लाइव क्लास में जितने भी हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को, सभी कक्षा 11वीं वाले दोस्तों को शेयर कर दो और उनसे भी आपको पूछना है इनके सभी के राइट आंसर। जी हाँ, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। अगला क्वेश्चन, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। देखिए उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा विवाह हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, गाय फालतू पशु है, गाय पालतू पशु है वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों गाय पालतू पशु है, बिल्कुल यहाँ पर जो कहा गया है कि गाय जो है वो पालतू पशु है, तो इसमें कोई व्यंग नहीं किया गया है ना कोई इसमें लक्षण है, तो ये दोस्तों आपकी जो शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति है। ओके, ये हो चुका है। अगला देखेंगे हम यहाँ पर सत्य फत्य, आपको मैं बता देता हूँ, सभी ध्यान दें, नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए अब आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं, तो आप एक भी वीडियो को छोड़िएगा मत, सभी वीडियो को आपको डेली टाइम से देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम पर आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और घंटी की बटन को ऑल पर करना है, जो घंटी का बेल आइकन का जो ये आइकन है इस पर क्लिक कीजिए और इसको ऑल पर सेट कीजिए। चलिए पहला देखते हैं, संचारी भाव की संख्या 35 है, जो पहला ही वाक्य आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है, असत्य आपको लिखना है। दूसरा लिखिएगा, अनुभव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएँ आती है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा, आप सत्य और असत्य लिखेंगे, कभी भी परीक्षा में आप ऐसे निशान लगाकर ना आए दोस्तों, ये गलत माना जाता है, ये तरीका आपका गलत है। यदि आप ऐसे करते हैं और आपको आंसर सही पता है तो आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप सत्य असत्य ही लिखें। तो पहला आपका क्या हो गया, यहाँ पर मैं आपको निशान लगाकर बता देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय अपना ख़राब होता है, ठीक है, तो यहाँ पर असत्य आएगा। दूसरा आपका सत्य आएगा।
तीसरा देखेंगे दोहा तथा सोटा में कुल 24 मात्राएं होती है, सही बात है। सत्य करेंगे फूल मुस्कुरा उठे में मानवी करण अलंकार है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सत्य लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कि फूल मुस्कुरा उठे, कभी फूल मुस्कुराते हैं क्या दोस्तों? नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ पर फूलों का क्या कर दिया गया है? मानवीकरण कर दिया गया है, इसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो ये सत्य बात है। बृहंतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो बिल्कुल सही है। बृहंतिमान अलंकार में अनिश्चय की नहीं रहती दोस्तों। असत्य करें इसको, कुछ समय के बाद स्पष्ट हो जाती है। ओके, गणों की संख्या 9 मानी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर गणों की संख्या 9 नहीं मानी गई है, असत्य करेंगे इसको भी। उसके बाद में आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, दोहे तथा रोले को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कुंडलिया छंद, रोला छंद और दोहा छंद को हम मिला देते हैं तो आपका एक छंद बन जाता है जिसका नाम है कुंडलिया छंद। और कुंडलिया छंद सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है गिरधर कवि को। अगला देखिएगा, मुख है या चंद्र है में संध्या अलंकार है, तो मुख है या चंद्र, देखिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख है या चंद्र है, तो यहाँ पर संध्या अलंकार है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो मैंने आपको बता दिया है किसमें सत्य आएगा, किसमें सत्य आएगा, ठीक है। और आपका छठा पाँचवा सत्य, ठीक है, और पहला सत्य, बाकी सात सब आपके क्या हैं? सत्य हैं। चलिए यहाँ पर अब मैं जोड़ी बताऊँगा, अच्छे से देखिएगा। छंद दोस्तों, तो छंद जो होते हैं वो होते हैं मात्रिक और वर्णिक, ठीक है, इससे मिलाएंगे। दोहा छंद में आपकी 24 मात्रा होती है, चौपाई में आपकी 16 मात्रा होती है। कविता, सवैये में आपके 26 वर्ण लगभग होते हैं, ठीक है, और कविता में आपके 31 वर्ण, कवित्त है ये, ठीक है।